गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो अगेन सोनी मैम हियर विद हिंदी क्लास. बट बिफोर दैट क्या करते हैं हम? मोरल, कुछ अच्छी बातें. तो आज क्या बात करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब लोग क्या हैं? यू ऑल आर स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे हैं. और छोटे बच्चों को दे शुड नॉट गो नियर द फायर. आग के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. आप किस किस वे में हम आग के पास कर सकते? Suppose you are going in the kitchen, और वहां गैस इज ऑन देयर. यू विल नॉट गो नियर द गैस. किसी के घर में स्टोव जल रहा है, दे विल नॉट गो नियर द स्टोव. वहां क्या होता है? उसपे कई बार गैस पे दूध होता है, मामी बॉइल करने के लिए रखती है, वेजिटेबल बन रही होती है, कुछ वाटर बॉइल हो रहा होता है, तो वो आपके ऊपर गिर सकता है, बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं. सो डोंट गो नियर द फायर. कई बार होता है जैसे लोहड़ी का फंक्शन, लोहड़ी में बहुत सारे बच्चे लोहड़ी मनाते हैं, तो हमें कभी भी वी शुड नॉट गो वेरी नियर द फायर. वो बोन फायर जो करते हैं उसके पास नहीं जाना मम्मी के साथ. एंड यू विल नॉट टच द गैस, नो बॉडी विल टच. मम्मी यदि कहती भी है गैस ऑफ कर दो, नो यू विल नॉट गो, क्योंकि बर्न हो जाते हैं और इट्स वेरी डेंजरस. ओके फाइन, अच्छी बात सीखी आज हमने. यू शुड नॉट गो नियर द फायर. So let's come to the point. Our today class is Hindi class. तीन अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द. Already हमने बहुत सारे शब्द कर लिए थे, लेकिन हम बार बार उसको रिवाइज करेंगे. क्यों रिवाइज करेंगे? बिकॉज हमारे ब्रेन में दैट पिक्चर विल बी प्रिंटेड. कैसे प्रिंट? प्रिंट मीन्स क्या होता है? आप अपनी मम्मी की शक्ल नहीं भूलते. क्यों नहीं भूलते? क्योंकि हमारे माइंड में प्रिंट हो गई, हमारी यही मम्मी है, यही हमारे पापा हैं, यही हमारी नानी है, नाना है, ये मेरी सिस्टर है. तो ऐसी ही सारी पिक्चर्स आपके माइंड में प्रिंट हो जानी चाहिए. जैसे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं अब आपके माइंड में, और अ आ ई स्वर और व्यंजन प्रिंट हो गए हैं, एबीसी प्रिंट हो गई है, ऐसे ये पिक्चर्स भी सब प्रिंट हो जाने चाहिए. जैसे आपको दो अक्षर वाले शब्द प्रिंट हो गए, ये नल है, नल आंख बंद करके नल इमेजिन करोगे तो आपको इमेजिन हो जाएगा कि ये नल है. ओके लेट्स स्टार्ट. ये क्या है? तीन अक्षरों को मिला के एक शब्द बनता है, मटर, 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 मटर. और लाउड बोलना है, ये नहीं बोलना मटर, नो, डोंट स्पीक लाइक दिस. मटर, मटर, फास्ट. अगेन पूजा करते हैं भगवान की, ये भी भगत है, मैं भी भगत हूं, मम्मी पूजा करती है तो मम्मी भी भगत है. और भ लिखने के लिए मैंने आपको बताया, नाइन बनाया, भ बनाया, भ ग त भगत. और भ की कभी भी यहां से ऊपर से लाइन नहीं आती, लाइन एक तो सबसे लास्ट में लगानी है और भ के यहीं से लाइन आती है. नो बॉडी विल राइट भ लाइक दिस, इट्स रॉन्ग. ओके ये क्या है? हमारा फेस के पोर्शन में ये पोर्शन, नयन, आंखें, आंखें नहीं लिखेंगे हम नयन लिखेंगे. न य न नयन. ओके ये क्या है? सड़क,
व्हीकल्स रन ऑन द रोड, यातायात कहाँ चलता है, सड़क के ऊपर। और हम लोगों को सड़क के ऊपर नहीं चलना चाहिए, जब रेड लाइट आती है तो जेब्रा क्रॉसिंग से हमें क्रॉस करना चाहिए। ओके ये क्या है, सड़क, और यहाँ पे डॉट, सड़क, सड़क, ये क्या है, ये तो सबको टच करने होते हैं, मम्मी भी करती है, दादा दादी के, और आप सब बॉयज को भी मैंने बोला हुआ है, दे शुड टच द फीट ऑफ देयर एल्डर्स, तो हमें दूसरों के चरण स्पर्श करने चाहिए। अणा मैंने आपको, मैं डेली जब भी ये करवाऊंगी मैं हमेशा आपको अणा भी बताऊंगी कि कैसे लिखना है, भ भी बताऊंगी कैसे लिखना है, और ड भी बताऊंगी। तो ये क्या है, ये है अणा। और चरण कैसे लिखते हैं हम, ये दो पैरों को हम बोलते हैं चर अण, चरण 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 चरण, फटाफट बोलना है, ये नहीं करना चर अण, तीनों अक्षर फास्ट बोलने, चर अण चरण। लोटस फ्लावर पानी में खिलता है, कमल का फूल, इसको कमल बोलते हैं, और कमल का फूल हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय फूल है। कमल, कमल, ओके, ये मंजीरे बजा रहा है, राम सीता राम राधे श्याम, मंजीरे बजा रहा है तो भजन कर रहा है, गाना गा के भजन कर रहा है। अगेन भ के लिए हमें क्या बनाना है, पहले नाइन भ ज न, भजन। वॉटर एनिमल मगर, वेरी शार्प टीथ, बहुत शार्प टीथ होते हैं ना, ह्यूज, ऐसे फेस मुंह खोलता है अपना, ह्यूज, बहुत बड़ा मुंह, और एक बार में किसी को कैच कर लेता है और घड़प निकल जाता है। तो ये क्या है, मगर, मगर पानी में रहने वाला जीव, और इसीलिए हमें पानी को पॉल्यूट नहीं करना, प्रदूषित नहीं करना। महल या भवन, आप कुछ भी बोल सकते, ये जब पिक्चर आती है महल भी लिख सकते हो, भवन भी लिख सकते हो। महल में कौन रहता है, राजा रानी। हम कहानी सुनते हैं ना, जब हम अपनी नानी से दादी से, एक बार एक राजा और रानी थे, वो अपने महल में रहते थे। राजा दशरथ की भी कहानी सुनते हो, रामचंद्र जी की कहानी सुनते हो, वो कहाँ रहते थे, महल में रहते। तो ये वही महल है, महल, 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 महल। क्वाक 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 क्वाक, पानी में रहती है तो क्या है, पिजन है, नहीं, एलिफेंट है, नहीं, बत्तख। और बत्तख जरूरी नहीं येलो कलर की होती है, बत्तख व्हाइट कलर की भी होती है, लाइट ब्राउन कलर की भी होती है। ब त ख, बत्तख। और ये क्या है, नानी जी का चश्मा, दादी जी का चश्मा, मैम का चश्मा, तो इसको क्या बोलते हैं, एक मैंने नया नाम भी बताया है, आईनक, ऐनक नहीं, आईनक। और आई की मात्रा यहीं से आएगी, आई न क आईनक, ठीक। अब ये क्या है, इसके अंदर पानी भरते हैं, और ये पत्ते क्यों लगाए हैं, और नारियल क्यों रखा है,
क्योंकि हवन करना है तो कलश के अंदर पानी डाला है। तो ये क्या है? कलश, कलश। और हनी कौन बनाती है? हनी भी बनाती है शहद की मक्खी, तो शहद है। शहर। पेन, पेन को क्या बोलते हैं? कलम, कलम। कलम से हम सुंदर सुंदर लिखते हैं, है ना। पेंसिल को भी कलम बोलते हैं क्योंकि हम उससे लिखते हैं। आज हम ये न्यू वर्ड कर रहे हैं। देखिए ये क्या है? जब आपका रॉन्ग हो जाता है तो आप क्या करते हो? इरेज करते हो उसको। किससे करते हो? रबर से। और उसको बोलते क्या है? रबर नहीं बोलते, रबर ड। देखिए रबर्ड। और एज यूजुअल जैसे हमने ड उसके नीचे मात्रा लगाई थी, रबर्ड रबर्ड। ठीक। आइकॉर्निया वर्ड, ये चाय है। चाय में से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। तो चाय क्या है? क्या है? इट्स अ कोल्ड। ठंडी है या गर्म है? ये गर्म है, इसीलिए इसमें से धुआं निकल रहा है। गरम, गरम। आप इसे कप नहीं लिख सकते क्योंकि कप होता तो वो जस्ट ऐसे होता, उसमें से धुआं नहीं निकलता। इसमें से धुआं निकल रहा है देखो, तो इसलिए ये गरम है। गरम, गरम। अब ये क्या है बताओ? सबकी शर्ट्स में होते हैं, पापा की शर्ट में होते हैं, हमारी शर्ट्स में बटन होते हैं। तो ये क्या है? बटन, बटन। अब ये क्या हो रहा है? आप बोलोगे ये तो यज्ञ है। यज्ञ भी है। और क्या होता है यज्ञ में? हम क्या करते हैं उसमें? हवन सामग्री डालते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः सब करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, स्वाहा। सामग्री डालते हैं किसमें? हवन। हम क्या करते हैं? हवन। हवन, हवन। तो आज हमने ये दोबारा से रिवाइज किया, लेकिन हम काम क्या करेंगे? ये सिर्फ रिवाइज करना है डेली। यू जस्ट टेक आउट योर असाइनमेंट। असाइनमेंट में एक पेज है चित्र देख के शब्द लिखो, उसको करना नहीं है। जस्ट फिंगर रख के आपने उसको डेली रीड करना है, पिक्चर रिकग्निशन करनी है। लेकिन काम क्या करेंगे हम? चलिए बताती हूँ। लाइन हमने ऑलरेडी कर ली, पिंक वाली, गुलाबी वाली लाइन। आज हम नीली वाली लाइन करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे। मगर, मगर। चमक, चमक। उधर, उधर। भड़क, भड़क। सफल, सफल। अटल, अटल। कमल, कमल। मगन, मगन। कमर, कमर। दमक, दमक। ठीक। अब ये पूरी लाइन आपने अपनी कॉपी में लिखनी है अलोंग विद दिस पिंक लाइन। दोनों लाइनें आपको लिखनी है। इसकी रिवीजन हो जाएगी और ये न्यू लेटर हो जाएंगे आपके। बट वन लाइन दिस और वन लाइन ब्लू कलर की, बोथ लाइन यू विल राइट इन योर नोटबुक एंड सेंड दैट टू योर टीचर अलोंग विद द असाइनमेंट में। असाइनमेंट में ये वाले पेज की आपने सिर्फ पिक्चर रीडिंग करनी है। सड़क, सड़क। बटन, बटन। चरण, चरण। शहद, शहद। रबड़, रबड़। नयन, नयन। मगर, मगर। कलश, कलश। कलम, कलम। बतक, बतक। कमल, कमल। ऐनक, ऐनक। भवन, भवन। या महल, महल। कुछ भी बता सकते हैं। इसको रिवाइज करेंगे आप लोग और ये वाला काम अपनी कॉपी में करेंगे।